बताया था और हमने बाबा रामदेव के बारे में वहां पढ़ लिया था, यानी जो पंच तीर्थ है उनमें से एक लोक देवता का वर्णन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पंच तीर्थों में से जो दूसरा देवता है, जो दूसरा देवता है और उसका नाम है बाबूजी। क्या नाम है उसका? बाबूजी। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो बाबूजी है इनका पूरा नाम है बाबूजी राठौर। क्या नाम है ये? बाबूजी राठौर। यानी इनका जो संबंध है वो राठौर वंश से था और राठौर वंश है वो कहाँ पर है राजस्थान में, याद रखना, जो जोधपुर और बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस वंश का शासन है उसे राठौर वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये भी उसी राठौर वंश से संबंधित थे। अब ये बताइए फ्रेंड्स कि ये अवतार किसके थे? ये अवतार किसके थे? मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था कि केवल चार ही लोग देवता ऐसे हैं जो किसी के ना किसी भगवान के अवतार हैं। तो जो हमारे बाबूजी राठौर है ये लक्ष्मण के अवतार हैं। आंसर क्या लिखना है हमें? लक्ष्मण। यानी बाबूजी राठौर है वो कौन से भगवान के अवतार है? लक्ष्मण। उसके बाद देखिए ये किसके वंशज है, ये किसके वंशज है? तो ये राव सिंहा के वंशज माने गए हैं। दोनों का दोनों क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अवतार पूछे तो लक्ष्मण का अवतार बताना है और यदि हमें वंशज पूछता है तो किसका वंशज बनाना है अपने? राव सिंहा का। और जो मारवाड़ रियासत थी उसका ये क्या था? संस्थापक था। मारवाड़ रियासत की जो स्थापना करने वाला है वो हमारे कौन है? राव सिंहा। अवतार हमने पढ़ लिया, वंशज हमने पढ़ लिया, अब हम इसका जो साधारण परिचय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जन्म। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? इसका जन्म। तो बताइए इसका जन्म कब और कहां पर हुआ था? बाबूजी राठौर का जो जन्म है वो कब और कहां पर हुआ था? पहले हम सन लिखेंगे उसके बाद हम जगह का नाम लिखेंगे। इसका जो जन्म था 1239 ईस्वी। कब हुआ था? 1239। कहां पर हुआ था? कोलूमंड। जगह का क्या नाम है? कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पर है? ये फलोदी तहसील में। और याद रखना फ्रेंड्स फलोदी कहां है? जोधपुर में। तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि इसका जो जन्म है वो कोलूमंड में हुआ था। और कोलूमंड हमारे जोधपुर में है और तहसील कौन सी पड़ेगी? फलोदी। उसके बाद जन्म हो गया, फिर हम इसकी पढ़ेंगे माता का नाम। क्या पढ़ेंगे? माता, पिता और पत्नी। ये चार चीजें आपको हर लोक देवता में याद करनी है कि जन्म कब और कहां हुआ, पिता का क्या नाम था, पत्नी कौन थी और इसकी माँ कौन थी। तो इसके पिता थे धांधल जी राठौर। कौन थे? धांधल जी राठौर, जिसको हम सामान्यतः धांधल जी के नाम से ही हम बोल देते हैं। माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। कई जगह कमल दे भी दे रखा है, चाहे कमला दे हो और चाहे कमल दे हो, वो हमारे बाबूजी की माता का नाम है और पत्नी का नाम है सुप्यार दे। पत्नी का क्या नाम है? सुपार दे। पिछले जो हमने लोक देवता पढ़े थे रामदेव जी, वहां उनकी पत्नी कहाँ की थी, वो किसकी बेटी थी, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर याद रखना है अपने को कि सुप्यार दे के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन थी, कहाँ की ये बेटी थी, याद रखना। ये अमरकोट के शासक। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि अमरकोट कहाँ पर है वर्तमान पाकिस्तान में। ये अमरकोट के शासक सूरज सिंह, अमरकोट के शासक सूरज सिंह की पुत्री थी। यानी इसके पिता का क्या नाम था? सूरज सिंह। और सूरज सिंह था वो कहां का शासक था? अमरकोट का। और अमरकोट है वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं हम, इधर लिख देती हूँ आपको, कि इसका प्रमुख मंदिर कहां पर है? प्रमुख मंदिर। किसके प्रमुख मंदिर की बात कर रहे हैं हम?
घोड़ी किसकी थी वो केसर काल में? देवल चाटे की। बाबूजी को मजबूर होना पड़ा और जो इसके पिता थे सूरज सिंह, उन्होंने भी देवल चाटे को खूब समझाया कि आपकी जितनी गायें जितना पिंजी ने ली है उससे दोगुनी गायें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इन सब बातों का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और जीत पर अड़ गई कि मुझे तो मेरी ही गायें चाहिए। अब देखते हैं उसके बारे में आगे पढ़ो लिखना किस तरह से है। तो मुख्यमंत्री अपने पढ़ा इसका कोलमंड आगे देखो। इससे ये सारी बात आगे लिखने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि बाबूजी की बहन का विवाह जायल कहां पर है? नागौर। बाबूजी की बहन का विवाह जायल नागौर के जागीरदार जिंदराव खिजी के साथ हुआ। क्या नाम है उसके बहनोई का? जिंदराव खिजी के साथ हुआ। तो ये रिश्ते में इसका क्या लगा, जीजा या बहनोई, जो भी आप समझो वो समझ लीजिए। अब देखोगे, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, आपको ऐसे बता देती हूँ मैं। अब जब ये जिंदराव खिजी था, शादी होने के बाद जब ये अपने ससुराल आया तो देवल जो चारणी थी उनसे इनके पारिवारिक संबंध थे, इनके बाबूजी राठौड़ के, तो उन्होंने वहां देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में जिसका नाम था उसको देखा। अब वो उसकी जो सुंदरता थी अदित्य थी और वो अनमोल थी, यानी उसका कोई मोल नहीं था और ये माना जाता है कि उसके समान कोई सुंदर घोड़ी भी उस समय अपने राजस्थान में नहीं थी। उस घोड़ी को देख करके और जिंदराव जो पीछे है उसका मन ललचा गया और उसने कहा कि मुझे तो ये घोड़ी चाहिए। लेकिन देवल चारणी को भी वो घोड़ी विशेष प्रिय थी, इसलिए उसने जिंदराव पीछे को घोड़ी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर के और जिंदराव पीछे है जो कहां चला गया, हमने जायल और जायल उसका खुद का करे और ये माना जाता है कि उसने ये कह दिया कि मैं अब कभी अपने ससुराल में वापस नहीं आऊंगा। अब ये तो बड़ी बात हो गई। इधर हमारे बाबूजी का विवाह भी तय हो गया है, किसके साथ? अमरकोट के शासक सूरज सिंह की जो पुत्री थी हमारे, जिसे हम लिख चुके हैं, उस पुत्री का नाम तो सुप्यार है। अब जब साले का विवाह है तो जीजा को भी इनवाइट किया जाना है। उसने पहले तो उसे कुछ समाचार भेजा पत्र व्यवहार के द्वारा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं तो आपकी शादी में नहीं आऊंगा। अब फिर से उसे मनाने के लिए उसने एक दूत भेजा, लेकिन उसने क्या कर दिया भाई, उस दूत को भी मार दिया। दूत को क्या किया, मार दिया। अब बाबूजी ने सोचा कि जब एक आदमी को मार दिया और मेरे पत्र व्यवहार से भी जो आदमी आने के लिए राजी नहीं है वो शायद ही मेरे विवाह में आएगा। ठीक है, इसी स्टोरी को देखे हम किस तरह से हम एक आध दूसरों में नोट करते हैं। देखिए आप, आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। इसको देखने के बाद शायद ही आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा जो लोकगीतों के संबंध में, जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। तो हम पहुंच चुके हैं कि विवाह हो गया है, बाबूजी राठौड़ की बहन का विवाह है, वो जायल नागौर के जागीरदार किसके साथ हो चुका है, जिंदराव खिजी। ये बता दिया मैंने कि वो ससुराल आया और देवल चारणी की घोड़ी को देखकर तो उसने जीत की, लेकिन देवल चारणी ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं कि इसी समय अमरकोट से बाबूजी का रिश्ता आया। अमरकोट से बाबूजी का रिश्ता आया, रिश्ता आया, मैंने जिसकी चर्चा आपने थोड़ी देर पहले की है, रिश्ता आया। विवाह की तारीख निश्चित हो गई, विवाह की तारीख निश्चित कर दी गई या विवाह की तारीख निश्चित हो गई। जीजा को बुलाओ भेजा, लेकिन वो सारी चीजें आप नहीं लिखेंगे, स्टोरी ग्रुप में मैंने बता दिया, जीजा जी ने मना कर दिया। एक दूत भेजा, उस दूत किसने क्या कर दी, हत्या कर दी। तो बिना जीजा को साथ लिए जो बाबूजी हैं वो कहां पहुंच गए,
खिंची ने, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, पीछे से खिंची ने देवल चारणी की गाय चुरा ली। जो खिंची था जिंद्राव खिंची, उसने देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? चुरा ली। अब बाबूजी इस समय कहां पर थे? अमरकोट। तो देवल चारणी भाग्यवानी उनके पास नहीं है, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। माना जाता है कि उस समय बाबूजी आधे फेरे ले चुके थे। बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने देवल चारणी से कि कुछ समय और रुक जाओ आप, लेकिन वो नहीं मानी और अंततः विवश होकर के और जो बाबूजी राठौड़ थे उनको देवल चारणी के साथ वापस लौटना पड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जो पर्सन हमारे यहाँ पड़ेगा वो ये बनेगा कि खिंची और बाबूजी राठौड़ के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्या कोलोमंड में हुआ? क्या कोलोमंड में युद्ध हुआ दोनों के बीच? नहीं हुआ है। लिखेंगे आप उसको। एक चीज और देखो, उसको लिखने से पहले बाबूजी के सहयोगी लिख लेंगे। बाबूजी के सहयोगी, उसको सेनापति वगैरह भी तो चाहिए ना। तो बाबूजी के जो सहयोगी थे वो तीन व्यक्ति थे, और ये जो तीनों के तीनों व्यक्ति थे ना, ये बाबूजी के विवाह में भी गए थे। उन तीनों का क्या नाम था जो साधारणतः आपको बुक्स में नहीं मिल पाएगा? इन तीन व्यक्तियों के नाम है चंदा, डेरा और हरमल। क्या क्या नाम है? चंदा, दूसरा है डेरा और तीसरा कौन है? हरमल। तीसरा कौन है? हरमल। अब देखो भाई, बाबूजी इनके साथ काम पर आ गया। बाबूजी इन तीनों को साथ लेकर के कहाँ आ गए? ये अपन ये कहें कि अपने सेना को साथ लेकर के, और ये युद्ध लड़ेंगे किसके साथ? देवल चारणी के साथ। वो सॉरी, देवल चारणी की सहायता के लिए युद्ध लड़ेंगे ये अपनी बहनों ही किसके साथ? जिंद्राव खिंची। तो याद रखो कि ऐसे लिखेंगे अपन, जिंद्राव खिंची प्लस बाबूजी। जिंद्राव खिंची और बाबूजी के मध्य क्या हो गया है? एक युद्ध हो गया है। अब मैं जो पर्सन हमारा यहाँ बढ़ता है वो ये बढ़ता है फ्रेंड्स कि युद्ध कहाँ पर हुआ था, उस गांव का क्या नाम है? उस गांव का नाम है फ्रेंड्स देचू गांव। क्या नाम है? देचू गांव। अब ये देचू गांव कहाँ पर है? ये देचू गांव है जोधपुर में। देचू गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ है जिंद्राव खिंची और बाबूजी के मध्य, वो कहाँ पर हुआ था? देचू गांव में। याद रखना, उसने देवल चारणी की गाय तो छुड़ा ली उससे, लेकिन खुद वीर गति को प्राप्त हुआ था। खुद क्या हुआ था? वीर गति को प्राप्त हुआ। अब मुझे ये बताओ कि इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी और इसकी समाधि है वो कहाँ बनी हुई है? याद रखना, देचू गांव में बाबूजी की मृत्यु, बाबूजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देचू गांव में। पर इसका समाधि स्थल कहाँ पर है, यानी इसको कहाँ दफनाया गया था, समाधि स्थल कहाँ बनाया गया था? पर्सन बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है। युद्ध कहाँ हुआ? जहाँ युद्ध हुआ वही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन जो समाधि है वो इसका जो मेन स्थल है वो है बेटा कोलोमंड। समाधि कहाँ पर है? कोलोमंड। इस चीज को तो आप समझ रहे होंगे कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर जो मरेगा वहीं पर उसकी समाधि होगा। इसका जो समाधि स्थल है वो क्या है बेटा? कोलोमंड। और जो कोलोमंड है ये बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी कोलोमंड में है। ऐसे लिख लेंगे हम, बाबूजी का सबसे पवित्र, सबसे प्रसिद्ध स्थान, सबसे प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में कहां पर है? कोलोमंड। और इसका जो मेन मंदिर है बाबूजी का वो भी कहां पर है फ्रेंड्स? कोलोमंड में। उसके बाद देखो, अब एक चीज कि
देखना कि सफेद रंग के उसने कपड़े पहन रखे हैं, घोड़ी के ऊपर वही केसर काल की जो घोड़ी है उसी के ऊपर बैठे हैं, और उसने अपने हाथ में क्या ले रखा है, भाला। और एक और चीज याद रखना, भाला लिए अश्वारोही, और इनकी जो पगड़ी है उसके साथ मैं बता देती हूँ, बाई और झुकी पाग, बाई और झुकी हुई क्या है, पाग, और पाग का मतलब क्या है, पगड़ी। पाग का क्या मतलब है, पगड़ी, कि जो उनकी पगड़ी है वो बाई तरफ क्या है, झुकी हुई है। इस तरह से वो घोड़े के ऊपर, केसर काल में घोड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ आप, किसका मेला कब लगता है, बाबूजी का मेला कब लगता है, कौन से महीने में लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, चैत्र अमावस्या को। कब लगेगा, चैत्र अमावस्या, ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साल में एक बार बाबूजी का मेला लगता है, कहां पर लगेगा, पोलो मंड में, जोधपुर में, और चैत्र महीने में जो अमावस आएगी ये वहां मेला लगेगा। एक और चीज याद रखना, ये मैंने छोटे पहले बताया ना बाबूजी का सबसे प्रसिद्ध स्थान, तो राजस्थान में बाबूजी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भी यहीं पर है, और इसका जो सबसे बड़ा मेला लगेगा वो भी कोलोमंड में ही लगेगा। अब मुझे बताओ बाबूजी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है, बाबूजी का दूसरा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताओ बेटा, नहीं पता, दूसरा मंदिर यह है आहड़ में, दूसरा मंदिर कहां पर है, आहड़, और आहड़ कहां पर हमारा, अब दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलो दी मैं कोलोमंड में, और दूसरा कहां पर है, आहड़ में, ठीक है इतना। अब देखो बेटा, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है बेटा, राजस्थान के दो छह मारवाड़ के दो, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, बाबूजी को, बाबूजी। अब मुझे ये बताओ कहां से लाए थे, पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, अपने को पता सारी चीजें होना चाहिए जितना अपन जान सकते हैं, बाबूजी ऊंट कहां से लेकर आए थे, बताइए, लाए थे, ये अपने गुजरात में स्थान है, और देखो वो स्थान है सिंध, कहां से लेकर के आए थे, सिंध, और सिंध कहां पर है हमारे गुजरात, एक सिंध पाकिस्तान में भी है, लेकिन बाबूजी जहां से ऊंट लेकर आए थे गुजरात से लाए थे, और गुजरात में जगह का क्या नाम है बेटा, सिंध। अब मुझे बताओ किसको ला करके दिए, क्या अपने घर लेकर के आया क्या ऊंट, राजा महाराजा इनको ऊंटों की क्या जरूरत है, तो इसने जो नायिका और रैवारी जाती है ना उनको ला करके ये ऊंट दिए, ऐसे लिखना है, मराठवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को, किसको दिया, नायिका या रैवारी, मैं पर्सन टाइप ही लिख देती हूँ, समझ तो जाओगे आप, नायिका या रैवारी जो क्या है, ऊंट पालक है जाति, यानी ऊंटों को पालने वाली जो मैन जाति है राजस्थान के अंदर वो कौन सी है बेटा, रायका या रैवारी। तो जो बाबूजी है उन्होंने इसे ही ऊंट ला करके, ही जाति हुई ऊंट ला करके दिए थे, जिसे ऊंट पालक जाति के नाम से जाना जाता है। अब मुझे बताओ जो रायका या रैवारी है इनके आराध्य देव कौन है बेटा, इनके आराध्य देव कौन आएंगे, अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि इनका आराध्य देव कौन हो जाएंगे, बाबूजी, इनके आराध्य देव कौन है, बाबूजी। अब दो चीजें याद रखना बेटा, ये दो बीमारियों का इसको वो बताया है रक्षक, एक तो है प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक देवता कौन है, बाबूजी, और एक और प्रश्न, ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, बाबूजी, ऐसे लिखना, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा, समझ जाएंगे, प्लेग बीमारी
भील, नायका और थोरी। तीन जातियां हैं, भील, नायका और थोरी। क्या है इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन है बेटा? बाबू जी। भीलों के आराध्य देव बाबू जी, नायका जाति के बाबू जी और थोरी जाति के आराध्य देव कौन है? बाबू जी। याद रखना, ये तो सारे हिंदुओं में है, एक मुसलमान भी है, एक प्रकार मुसलमानों का भी जो इसकी पूजा करते हैं। बताएंगे कौन से मुसलमान है वो? मेहर मुसलमान। क्या है? मेहर मुसलमान भी मानते हैं भाई। मेहर मुसलमानों के द्वारा भी इसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा? बाबू जी। ठीक है, अब देखो पिछला जो मैं पॉइंट पढ़ा था वो कौन सा था? रामदेव जी। और आज का जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? बाबूजी। अब मैं आपको कुछ समानता और कुछ असमानता बाबूजी और रामदेव जी में बता देती हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। देखो ज्यादा नहीं है उसमें, एक दो दो चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बता देती हूँ। एक तरफ तो लिखना है आपको रामदेव, जो पिछला हमने पढ़ा था। क्या लिखना है? रामदेव। और दूसरी तरफ क्या लिखना है? मैं बाबू जी। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रामदेव जी की फड़ और जो बाबू जी की फड़ है उनमें क्या अंतर है? बाबू जी की फड़ और इधर किसकी है? रामदेव की फड़। बताओ देखे रामदेव जी, मैंने पढ़ाया आपको कल वाले टॉपिक के अंदर, कल वाले वीडियो में, इन दोनों की फड़ों में क्या अंतर है? देखो रामदेव की फड़, पहले सबसे पहला पॉइंट लेते हैं फड़वाचन। फड़े वाचन, तो मुझे बताओ रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं, किस संप्रदाय के लोग करते हैं? कामड़िया पंथ। क्या करेंगे बेटा? कामड़िया पंथ या कामड़िया संप्रदाय पर कह सकते हैं। बाबू जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे बेटा? रहबारी मत कर देना, रहबारी नहीं करना है। तीन जाति लिखी है ना अपने थोड़ी देर पहले, नायक और थोरी। कौन करते हैं? नायक या थोरी। समझ में आ गया पहला अंतर? इसमें तो कौन करेंगे? कामड़िया पंथ के लोग। इधर कौन करेंगे? नायक या थोरी। अब देखो बेटा दूसरा जो अंतर करेंगे ना वो किस आधार पर करेंगे? वाद्य अंतर, क्योंकि ये छोटे छोटे पर्सन ही तो है जो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। कल बताया था बेटा इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र काम आता है? रावण हत्ता। इधर कौन सा वाद्य यंत्र काम आएगा? ये समानता है बेटा इसमें। ये क्या है? समानता। यानी इधर भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र ही काम में आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कुछ समानताएं हैं और कुछ क्या है? असमानता। यानी दोनों की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जाति अलग अलग है। तीसरा, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय जो भक्त है ना वो ब्यावले गाते हैं। क्या करेंगे? फड़ का वाचन करते समय, फड़ का वाचन करते समय ब्यावले गाना। समझ में आ गया ना बेटा? ये कामड़िया पंथ है ना, कामड़िया पंथ उसी के लोग फड़ का वाचन क्यों करेंगे और फड़ का वाचन करते समय वो गीत भी गाते हैं। जिन गीतों को क्या कहेंगे अपन? ब्यावला गीत। किसके बात कर रहे हैं? वो रामदेव जी की फड़ में। और इधर बेटा भक्तों के द्वारा इंपोर्टेंट है, भक्तों के द्वारा क्या गाए जाएंगे? पावड़े। पावड़े गाए जाते हैं। इंपोर्टेंट पर्सन बन गया ना। पावड़े तो किसकी फड़ का वाचन करते समय? बाबूजी। और क्या हुए? रामदेव जी। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, ये वाद्य यंत्र तो फड़ का वाचन करते समय था, और ये जो फड़ का वाचन करते
वाद्य यंत्र नहीं। और बात खत्म इसकी, बाबू जी की फड़की और रामदेव जी की फड़की। देखो फ्रेंड्स, छोटे से मात्र बहुत कम समय में मैंने आपको बाबू जी राठौड़ के बारे में यहाँ इस लेसन में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो आपको बाबू जी का जीवन परिचय पढ़ना है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन थी, पत्नी कौन थी। अब इनके कुछ उपनाम भी है जो आपको याद करने हैं, जैसे बाबू जी का उपनाम क्या था, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, ऊँटों का पालन करता या ऊँटों की रक्षा करने वाला, ठीक है बेटा। उसके बाद में अभिभाव वाली स्थिति मैंने सारी बता दी आपको, बहनों ही और उसके बीच जो युद्ध हुआ वो मैंने आपको बता दी, किसके गायों की रक्षा करते समय ये मर गए थे, कहाँ इसकी मृत्यु हुई और कहाँ पर इसकी समाधि बना हुआ है, मैंने ये सारा आपको बता दिया। फड़ के बारे में आपको बता दिया कि दोनों की फड़ का वचन है रावण वाद्यंत्र के साथ, रामदेव जी के मैं तो कमड़िया और बाबू जी के मैं कौन है, नायिका या थोड़ी जाती। पावड़ी, बाबू जी की फड़ का वाचन करते समय तो पावड़े गीत गाए जाते हैं और इधर कौन से गीत गाए जाएंगे, ब्यावड़े। बाबू जी वाले में तो फड़ वाचन करते समय भी और गीत गाते समय भी वाद्यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन इधर ब्यावड़े गाते समय किसी भी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बात खत्म, आगे चलिए बेटा। तीसरा लेते हैं, दो हम पढ़ चुके हैं, एक तो पहले वीडियो में पढ़ा था और दूसरा जो बाबू जी है वो इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा बाबू जी राठौड़ थे वो रामदेव जी थे, वो ही सबसे लंबा पॉइंट उन्हीं के बन रहे थे, बाकी के तो पांच पांच सात सात लाइन के पॉइंट है इसके। तो जो तीसरा लोक देवता हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो बहुत पहले पंचवीर पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हड़बू जी सांखला, क्या नाम है बेटा, हड़बू जी सांखला, कौन सी जाति से संबंधित है बेटा, सांखला, साथ में लिखा हुआ है ना सांखला। उसके बाद वही जीवन परिचय बताइए, जन्म कब और कहाँ हुआ, तारीख आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कब हुआ इसको, कहाँ हुआ इसका जन्म, केवल इतना याद करना, भुडोल गांव, और भुडोल गांव कहाँ पर है बेटा, भुडोल नागौर, भुडोल गांव कहाँ पर है, नागौर में। किसका जन्म हुआ है, हड़बू जी सांखला, कौन था बेटा ये याद करो, रामदेव जी पढ़ाया था, रामदेव जी का मोसेरा भाई था बेटा, मोसेरा भाई, ये रामदेव जी का क्या था, मोसेरा भाई। गुरु कौन थे, ये बाबू जी के तो कोई गुरु नहीं थे, लेकिन रामदेव और इसके तो गुरु थे, मैंने आपको बता दिया था कल कि एक ही गुरु था इनका और वो गुरु कौन था, बालीनाथ, यानी इसके गुरु का क्या नाम है, बालीनाथ। भुडोल नागौर में इसका जन्म हुआ, रामदेव जी का क्या है ये, मोसेरा भाई, गुरु कौन है, बाली ना। इसके बाद देखो बताइए, राव जोधा का समकालीन था हड़बू जी सांखला, जोधपुर के शासक राव जोधा का समकालीन, इसका मतलब ये है बेटा कि राव जोधा के ऊपर किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद था राव जोधा को, हड़बू जी सांखला को, ठीक है बेटा। आगे देखो, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता क्या थे ये, अरे रामदेव जी में तो मैंने लिखवाया था एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे, ये एकमात्र लोक देवता जो सकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है बेटा, हड़बू जी, याद रखोगे ना, एकमात्र लोक देवता जो सकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब बेटा बताओ मुझे इसका वाहन क्या था, इधर लिख देती हूँ मैं, इसका वाहन क्या था, उसका वाहन तो घोड़ी था केसर काल की जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इसका वाहन है बेटा सियार, क्या है सियार, जिसको पट श्रृंगाल भी बोल सकते हैं। समाधि कहाँ ली इसने बेटा, समाधि कहाँ पर ली थी, भुडोल में तो जन्म हुआ है, समाधि ली है बेटा इसने बेंकटी गांव, कहाँ पर ली है, बेंकटी गांव, और ये कहाँ पर है, फलोदी में,
व्यक्ति का उन्हें समाधि ले ली और व्यक्ति कहाँ पर है? फलोदी में। और फलोदी कैसे कहाँ पर है? हमने वहाँ कोलूमट में भी पढ़ा था उसको, जोधपुर में। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब याद रखना बेटा, ये बेंगटी है ना, यही इसका प्रमुख पूजा स्थल भी है। बेंगटी में ही इसका प्रसिद्ध पूजा स्थल है। प्रसिद्ध पूजा स्थल किसका? खड़गू जी का। जन्म तो गुडोल में हुआ है और प्रमुख पूजा स्थान कहां पर? इसका बेंगटी में। ये ऐसा माना जाता है बेटा कि जिस दिन रामदेव ने समाधि ली ना, उसके आठवें दिन ही इस व्यक्ति ने भी समाधि ले ली थी। रामदेव के साथ तो डोली बाई ने भी समाधि ली थी। जहां रामदेव की समाधि है वही उसकी धर्म बहन डोली बाई की भी समाधि थी। उसके ठीक आठवें दिन ये माना जाता है कि खड़गू जी सांकला ने भी समाधि ले ली। अब बेटा मुझे बताओ, इनका जो पुजारी होता है ना, किसका पुजारी? खड़गू जी का। वो कौन सी जाति का होता है? कौन से संबंधित है? कौन सी जाति से? सांकला। तो पुजारी होगा वो भी कौन सी जाति का होगा? सांकला। अब एक और पर्सन इंपोर्टेंट होगा, इसके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? बेंगटी में जो मंदिर है ना इसका, किसकी पूजा की जाएगी बेटा? लकड़ी की गढ़। ऑप्शन देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ जाओगे इसको कि लकड़ी की गड्ढी की पूजा की जाती थी बेटा, वो भी टूटी हुई थी। तो लिखने की जरूरत नहीं, अगला पर्सन बताना है आपको कि लकड़ी की गड्ढी की पूजा क्यों की जाती थी। क्योंकि जो अपंग और पंगु गाय थी उनके लिए वो दूर दूर से हरा चारा उसमें भर करके लाते थे, इसलिए जो भक्तजन थे वो इस लकड़ी की गड्ढी की पूजा करते थे। समझ में आ गया इतना? जन्म पढ़ लिया कहाँ पर हुआ था? बुडोल में। माता पिता जहाँ इम्पोर्टेंट अपन वहीं पर पढ़ेंगे। रामदेव जी की क्या थी? ये मौसे थे भाई। गुरु क्या थे? बालिका। राव जोधा का क्या था? ये समकालीन। यानी राव जोधा को किसका आशीर्वाद प्राप्त था? खड़गू जी का। एकमात्र लोक देवता जो सकुल शास्त्र के ज्ञाता थे और कौन थे वो? खड़गू जी। समाधि स्थल कहाँ पर है? बेंगटी गांव में। इसका जो बाहर है क्या है? सिहार है। प्रसिद्ध जो पूजा स्थल है वो गुडोल में नहीं है, बेंगटी गांव में है, जहां इसने समाधि ली है। पुजारी कौन सी जाति का होता है? सांकला। और पूजा किसकी की जाती है? लकड़ी की गाड़ी। और लकड़ी की गाड़ी की टूटी हुई है क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपने समय में दूर दूर से उन पंगु और अपंग गायों के लिए जो दूर तक चरने के लिए जाने के लिए असमर्थ थी, उनके लिए वो दूर दूर से हरा चारा भर करके लाते थे। तो क्लियर है अड्डू जी? अगला लोक देवता देखिए बेटा, तीन हमने पढ़ लिए हैं और ये जो किस में चल रहा है हमारा, पंचमीनों में। चौथा लोक देवता देखे, वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। जितना आप प्राप्त करोगे उतना ही आपके लिए कम है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम दूर नहीं है। हर कंपटीशन एग्जाम की तारीख है वो तय हो गई है और उम्मीद है कि उसी तारीख को पेपर होंगे, यदि कोई विपदा हमारे राजस्थान में नहीं आई। हम यही करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आए ताकि तय समय पर हमारे सारे एग्जाम हो पाए। अब चौथा जो हम देवता पढ़ेंगे बेटा वो है गोगा जी। चौथा लोक देवता कौन सा है हमारा? गोगा जी। काफी इंपॉर्टेंट है गोगा जी, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखो उपनाम क्या है, सबसे पहले हम उपनाम ही लिख लेते हैं। बताइए, सांपों का देवता। सांपों का देवता क्या इसको गोरक्षक कहेंगे? क्या इसको गोरक्षक कहेंगे? अरे गाय की रक्षा करते समय तो मरा था ये, तो गोरक्षक देवता। तीसरा और जो सबसे मेन है, ये तो बिना अगर नहीं लिखते तो भी हम आते, वो है बेटा जाहर की। क्या है फ्रेंड्स वो हमारा? जाहर की। अब मुझे देखे ये बताओ, गोगा जी को जाहर की उपाधि किसने दी थी? किसने? शाबाश भाई, नाइस। महमूद गजनवी। और जो हमारे होते थे रामदेव जी, उसको पीरों का पीर किसने कहा था? मक्का मदीना से जो पांच पीर आए थे।
जाहरे पी। उसके बाद देखो बेटा योगदान हो गए, फिर हम पढ़ेंगे इसका जन्म कब हुआ बेटा, 946 ईस्वी। कहां पर हुआ था बेटा? शाबाश, वेरी गुड। ददेरवा, और ददेरवा कहां पर है? ददेरवा स्थान कहां पर है? माता कौन थी, पिता कौन थे? माता और पिता, माता बाछल है, माता तो कौन है? बाछल देवी। पिता कौन है बेटा? ये तो बहुत बार पूछा गया है, जेवर, जिसका पूरा नाम भी अगर अपन लिखना चाहें तो जेवर सिंह चौहान है, पर इतना ही है, आप इतना ही याद कर लो जेवर है जी। तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है इस चीज को, जेवर के नाम से पता लग जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ कि पत्नी का क्या नाम था?
सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात। अब बेटा ये माना जाता है कि उस मंदिर के लूटपाट के अंदर उसको इतनी धन दौलत, इतना सोना चांदी प्राप्त हुआ था कि उसको अपने देश ले जाने के लिए उसके पास साधनों की कमी हो गई थी। अब पूरा प्राचीन काल में अपने ये वाले साधन तो थे नहीं जो आज है, ऊँटों पर लाद करके या पशुओं पर लाद कर, हाथियों पर लाद करके उन्हें अपने देश में ले जाना था। फिर भी उसके पास वाहनों की क्या पड़ गई, कमी हो गई, तो उसने गोगा जी के पास जो गाय थी उन गायों को लूटने के लिए वो गोगा जी के पास, यानी गोगा जी अपने यहाँ पर आया, वो उसने उनकी गायों को लूटने का प्रयास किया। उन गायों की रक्षा करने के लिए महमूद गजनबी और गोगा जी के मध्य युद्ध हुआ और जिसमें हमारे गोगा जी की क्या हुई थी, हार हुई थी, और उसके अंदर ये माना जाता है कि गायों की रक्षा करते करते वो मर गए थे। ऐसे लिखी है पर महमूद गजनबी, पूरी महाभारत नहीं लिखनी है, महमूद गजनबी प्लस गोगा जी, महमूद गजनबी और गोगा जी युद्ध हुआ। और युद्ध क्यों हुआ था ये मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी, उसको अपने को लिखना नहीं है बेटा। यहाँ पर गोगा जी को उसने गाय चुरा ली थी। कितनी बार युद्ध हुआ था बेटा इन दोनों के बीच? 9 बार। कितनी बार युद्ध हुआ था बेटा? 9 बार। ये कहेंगे 8 बार तो गोगा जी जीत गए, लेकिन 9वें युद्ध में गोगा जी क्या हुए बेटा, हार गए, है ना। फिर क्या हुआ था बेटा इसमें, जो महमूद गजनबी जीत गए इसमें, ये क्या हुआ, जीता इसने, विजय प्राप्त की, बहुत अधिक वीरता के साथ लड़ा था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर ही जहर भी की उसने उपाधि दी है, जो हम थोड़ी देर पहले लिख चुके हैं, उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब बेटा इस युद्ध में इसका सिर और धड़ क्या हो गया, अलग हो गया, सिर व धड़ अलग, इसका गोगा जी का सिर और धड़ है जो अलग हो गया। फिर भी बेटा ये माना जाता है कि सिर कटने के बाद भी, सिर तो कट करके दूर ले गया, लेकिन ये माना जाता है कि धड़ धड़ के अंदर बिना सिर के उसने दोनों हाथों में तलवार लेकर के और महमूद गजनबी का सामना किया, तो ही तो महमूद गजनबी ने उसको जाकर पीर की उपाधि दी थी। अब बेटा ये जो जहां पर सिर गिरा वहां और जहां पर उसका धड़ गिरा ना वहां, उन दोनों स्थानों पर गोगा जी के प्रसिद्ध मंदिर है, उनके बारे में भी अपने को यहाँ अध्ययन करना है। देखो मैं बता देती हूँ कि कैसे अपने को उसको याद करना है। देखो बहुत इजी ट्रिक में बता रही हूँ, जहां सिर गिरा पहले मैं लिख देती हूँ, सिर गिरा और दूसरा क्या है, धड़ गिरा, ये है ना बेटा। तो मुझे बताओ सिर कहाँ गिरा और धड़ कहाँ गिरा। देखो जहां सिर गिरा ना उसको तो कह दिया शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी, और बेटा जहां धड़ गिरा उसको क्या कह दिया, दूर मेडी। दो स्थान है, एक तो देवा और एक है बेटा हनुमानगढ़, नौ हनुमानगढ़ नोट नहीं है, गोगा मेडी, गोगा मेडी जो नोट तहसील में है। तो मुझे बताओ सीर्स मेडी के नाम से किसको जाना जाएगा, दूर मेडी के नाम से किसको जाना जाएगा। बेटा जहां सिर गिरा ना वो स्थान तो है ददेरवा, कौन सा है, ददेरवा, और ददेरवा कहां पर है, चूरू, ददेरवा कहां पर है, चूरू। कोई समस्या नहीं आएगी, उल्टा कर दो, क्या करना है आपने को, उल्टा धड़े धे और इधर क्या है धे, यानी इसके सामने ये नहीं आएगा, इसके सामने ये नहीं आएगा, और जब जिसके सामने वो नहीं आ रहा तो दूसरा रुकना अपने आप ही क्लियर हो गया कि दूसरा स्थान कौन सा है जहां धड़ गिरेगा, गोगा मेडी, और गोगा मेडी कहां पर है बेटा, गोगा मेडी कहां पर है, नोहर में, नोहर, और नोहर कहां पर है, हनुमान। बेटा एक बार सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है कि जो दूर मेडी है वो कहां पर, अपने इसमें कर बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था दे दे है वहां, दे बड़ा स्थान आपको भी करना है और आगे अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत यहां पर नहीं है। उसे बताओ एक चीज और बेटा, इसका जो मैं मंदिर है ना प्रमुख मंदिर, वो कहां पर है,
ज्यादा बढ़ा गया, तो समझ में आना चाहिए अपना मैं नाम से दस समझ रहा हूँ। ऐसे है ये मंदिर है जो ऐसे है, ये इसका मेन रास्ता है अंदर जाने का। ये तो इतने ही आकार कैसा है? क्या अपने भारत में जो मंदिर है हिंदुओं के, क्या ऐसे आकार के होते हैं? नहीं होते हैं। तो मकबरे नुमा इसके मंदिर का आकार है। कैसा है? मकबरे नुमा यानी हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग इसको मानते हैं। और इसका जो मेन दरवाजा है ना बेटा, ये कहते हैं ना कि इसका मेन दरवाजा है, यहाँ पर है ना जो वो लिखा है बिस्मिल्ला, पढ़ा है ना पढ़ने खूब कंपटीशन में, इसके मुख्य दरवाजे के ऊपर या मंदिर के ऊपर क्या अंकित है बेटा? बिस्मिल्ला। और बिस्मिल्ला है वो किससे संबंधित है? मुसलमान। तो इस मंदिर का जो आकार है बेटा वो कैसा है? मकबरे नुमा। और मकबरा किससे संबंधित है? मुसलमानों से। अब बेटा मुझे आप ये बताओ कि इसका जो आकार है वो मुसलमान पूजा करने के कारण तो अपन इसका आकार ऐसे नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई रीजन तो है ही कि इस मंदिर का जो आकार है मकबरे नुमा है। हिंदुओं का मंदिर है लेकिन फिर भी इसका जो आकार है वो कैसा है? मकबरे नुमा। याद रखना बेटा, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 11 महीने तक तो इसके अंदर जो पुजारी होता है वो मुसलमान होता है और एक महीने तक हिंदू। देखेंगे हम पुजारी हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदू प्लस मुसलमान, समझ रहे हो ना? अब बेटा हिंदू तो कितने महीने तक पूजा करेगा? एक महीने तक। और ये 11 महीने, 11 माह लिख लो, समझ जाएंगे। अब इसीलिए बेटा इस मंदिर का जो आकार है वो कैसा है? मकबरे। अब बेटा ये तो ना कायम खाने मुसलमान, कायम खाने मुसलमान है ना जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था हिंदुओं से, ये वो वाले मुसलमान है। अब देखो, अब हिंदू वाला मंदिर है ना उसका निर्माण किसने करवाया है? नए हिंदू शैली में जो बनाया वो, और जो मुसलमान शैली है उस शैली में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है, यही लिख देती हूँ मैं इसके साथ। जो मुसलमान शैली में मंदिर बना है ना उसका निर्माण तो करवाया था बेटा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। मुसलमान है कि नहीं? दिखाई दे रहा है फिरोज शाह तुगलक। और जो हिंदू शैली में जो बना हुआ है ये बेटा अपने बीकानेर के थे जिसका नाम है गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तो हिंदू शैली में मंदिर बनवाया, और मुसलमान शैली में किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? और ये दोनों का मिश्रण क्यों है? क्योंकि 11 महीने तक मुसलमान पुजारी काम करेगा और एक महीने तक अपना हिंदू। याद रखना मंदिर के निकट की गोरख तालाब है, मंदिर के निकट की गोरख तालाब है जो इसके गुरु गोरखनाथ से संबंधित है, मेला का लगता है। मेला इसका मेला मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी है ये जब महीना शुरू होता है कोई सा भी तो पहला जो पक्ष होता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और जो दूसरा पक्ष होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो रक्षाबंधन के ठीक 9 दिन बाद में ये गोगा नवमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स हम बात करते हैं राजस्थान में एक इसका दूसरा मंदिर भी है जो गोगा जी की ओरड़ी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गोगा जी की ओरड़ी। और गोगा जी की ओरड़ी है वो कहाँ पर है? किलोरिया की ढाणी। और किलोरिया की ढाणी कहाँ पर है? सांसोर जालोर में। अब इसका जो थान होता है वो कैसा थान होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और ये हमने मैंने एक छोटा सा खेजड़ी का वृक्ष बना दिया है, और यहाँ इसके नीचे क्या बना दिया है मैंने? थान। अब मुझे बताओ किसका प्रतीक होता है थान पर? याद रखना ये किसके प्रतीक है बेटा? सर। तो वो जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसका जो थान बनाया जाएगा वहां पर सर्प के चित्र भी बने होंगे, क्योंकि सर्प है वो गोगा जी का क्या है? प्रतीक माना गया है। उसके बाद देखो बेटा कि इसकी जो घोड़ी थी बाबू जी का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? इसका जो घोड़ा था उसका नाम बेटा नीला, नीली घोड़ी थी इसकी, नीली घोड़ी थी जिसको गोगा बप्पा कहते हैं।
किसान हल जोतने से पहले गोबा जी के नाम की राखी बांधता है, जिसे गोबर राखी के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि जब पहली बरसात होती है, जब किसान हल लेकर के अपने खेत में जाता है, तो हल को और अपने को इसकी राखी बांध लेता है। और ये कहा जाता है कि आगे आने वाली जो फसल होगी वो ऐसा करने से अच्छी होगी और हमारे हल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या कोई जीव जंतु है हमारे इस हल के माध्यम से वो नहीं मरे, ऐसा उनकी मान्यता होती है। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थी आपको ये गोबा जी के बारे में बताई है। मैं सोचती हूँ शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यदि हम आगे वाले देवताओं को भी इसमें शामिल कर ले तो हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। और जो पांचवा हमारे पंचवीर है उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, और साथ ही वहाँ हम जो बाकी के लोक देवता बचे हुए हैं उनका भी हम वहाँ अध्ययन कर लेंगे। तब तक आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।